बासी रोटी इतनी चमत्कारी होती है जिसकी कोई हद नहीं है। बासी रोटी कहते किसको हैं? बासी रोटी क्या काम करती है? बासी रोटी आपकी किस्मत को कैसे चमकाती है? इस पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत रोचक है। बासी रोटी जिसको अक्सर आप गाय को खिला देते हैं या खुद गर्म करके खा लेते हैं, लेकिन बासी रोटी किसी चमत्कार से कम नहीं। आपको बासी रोटी का एक ऐसा अद्भुत उपाय बता रही हूँ, टोटका बता रही हूँ, जो आपको खुशकिस्मती देगा, पैसा देगा, फेम देगा, ताकत देगा, पावर देगा, शक्ति देगा, सुंदरता देगा। ये ऐसा अद्भुत उपाय है जो बासी रोटी से आप प्राप्त कर सकते हैं। बासी रोटी पर आज का वीडियो बहुत रोचक होने वाला है, पूरा देखना। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूँ। मैं 25 साल से एस्ट्रोलॉजी पे परामर्श दे रही हूँ। हमसे परामर्श लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री के डिस्क्रिप्शन में आएँ और ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है, जहाँ हम परामर्श का 3100 रुपये लेते हैं, 5 सवाल अदा कर का जवाब देने में। वहीं आप मात्र 300 अदा करके 2 सवाल पूछने का मौका प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तभी आपको ये लाभ मिल पाएगा। तो तुरंत संपर्क करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मूल टॉपिक पर आते हैं। बासी रोटी के अगर टुकड़े टुकड़े कर कर दूध में भिगो के फेस पैक के रूप में आप लगाते हैं मैश करके, तो आपकी स्किन की डेड स्किन हट जाती है और शाइनिंग करने लगती है, स्किन अच्छी हो जाती है। बासी रोटी को दूध में चूर के खाने से आपका सूर्य मजबूत होता है, चंद्रमा भी मजबूत होता है और आपको एक शक्ति का संचार होता है। तो दूध में भिगोई हुई रोटी बासी होनी चाहिए, ऐसा करने से आपको लाभ मिलता है। बासी रोटी पर अचार रखकर अगर आप पितरों के निमित्त दान देते हैं या अमावस्या के दिन किसी को भोजन कराते हैं बासी रोटी और अचार देकर, तो आपके पितर शांत होते हैं। बासी रोटी के साथ अगर आप प्याज खाते हैं और गुड़ खाते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है। बासी रोटी को मैश करें और उसमें दूध, कच्चा दूध डालें और शहद डालकर फेस पैक के रूप में स्क्रब बनाएं, ऐसा करने से आपको लाभ मिलता है, स्किन शाइन मारती है। अगर आप स्वीपर को बासी रोटी देते हैं तो आपका शनि दोष शांत होता है, लेकिन इसके साथ कुछ कॉइन भी रख के देवें। अगर आप माली को कोई बासी रोटी देते हैं 5 की संख्या में आपका बुध मजबूत होता है, आप व्यापार जगत के बादशाह बन जाते हैं या रानी बन जाते हैं। इसके साथ मूंग रखना ज़रूरी है। तो बासी रोटी का ये उपाय आपको उन्नति और प्रगति देता है और आपको ग्रह दोष भी शांत करता है।